बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है। नीतीश कुमार एनडीए के पाले में आ गए हैं। अब सवाल आगे के चुनावों को लेकर है। पहला सवाल, लोकसभा चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारा कैसे होगा, यानी नीतीश कितनी सीट पर लड़ेंगे और बाकी दलों के हिस्से में कितनी सीट आएगी। और दूसरा सवाल, 2025 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी की रणनीति क्या रहेगी, क्या तब भी बीजेपी नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी या अपना कोई चेहरा आगे करेगी। सीट बंटवारे की बात से पहले बीजेपी की सियासी रणनीति को भी समझना जरूरी है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी ने काफी मजबूत संदेश दिए हैं जो पहले कभी नहीं दिया गया था। दरअसल बीजेपी ने जो दो डिप्टी सीएम बनाए हैं, ये संदेश इसी में छिपा है। पहले हैं सम्राट चौधरी जो कुशवाहा समाज से आते हैं और दूसरे हैं विजय सिन्हा जो भूमियार समाज से आते हैं, यानी एक बैकवर्ड और दूसरा फॉरवर्ड। बीजेपी ने इन दोनों के सहारे दो बड़े धड़े साधे हैं। एक धड़ा वो है जो बिहार की राजनीति में सबसे अहम है, यानी पिछड़ा वोटर, और दूसरा धड़ा वो है जो बिहार में बीजेपी का कोर वोटर है, यानी सवर्ण समाज। यानी बीजेपी का ये फैसला भविष्य को देखकर लिया गया है। पार्टी की कोशिश यही है कि आने वाले दिनों में वो बिहार में इतनी मजबूत हो जाए कि उसे सरकार बनाने के लिए किसी बैसाखी की जरूरत ना पड़े। इसलिए नीतीश कुमार के सबसे मजबूत वोट बैंक कुर्मी कुशवाहा को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम हो रहा है और सवर्ण समाज को साध कर रखा जा रहा है। सम्राट चौधरी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, लोगों के बीच तेजी से चर्चित हुए हैं। बीजेपी ने पिछली बार जिन तारा प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया था, उनसे बहुत अलग है। यही वजह है कि पार्टी ने इस बार नया दांव चला और सम्राट चौधरी का सिक्का उछालकर बिहार की सियासी नब्ज टटोलने की कोशिश की है। साथ ही संदेश ये भी दिया है कि अगर भविष्य में पार्टी को बहुमत मिलता है तो सम्राट चौधरी प्रदेश के मुखिया हो सकते हैं। मेरा बहुत बड़ा तपस्या 40 साल का रहा और 40 साल के बाद बेटा ने अगर मैंने 20 साल से सेवा किया तो आज उसका फल मिला। अब क्या लगता है आपके बेटा सीएम भी बनेंगे? अब तो वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं। अब बात करते हैं सीट बंटवारे की। बिहार की 40 लोकसभा सीटों का बंटवारा किस हिसाब से होगा, क्योंकि एनडीए में शामिल दलों का नीतीश से रिश्ता कैसा रहा है, ये पहले जान लेते हैं। इसमें उपेंद्र कुशवाहा है जिनके साथ नीतीश कुमार का 36 का आंकड़ा था। इसी तरह चिराग पासवान है जिनके साथ 2020 की सियासी अदावत अभी तक चली आ रही थी। पशुपति पारस से नीतीश के सियासी संबंध अच्छे जरूर थे, लेकिन 2021 में नीतीश के चलते ही परिवार में फूट पड़ी थी। और जीतन राम मांझी को तो नीतीश कुमार ने यहाँ तक कह दिया था कि उनकी मूर्खता के चलते वो मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि सियासत में कुछ भी स्थिर नहीं होता है। अगर नीतीश कुमार बीजेपी को भला बुरा कहने के बाद वापस एनडीए में चले गए और नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद करने वाली बीजेपी एक झटके में उन्हें अपने साथ जोड़ लाई, तो बाकी नेताओं का मन बदलने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। नीतीश जी गलत जगह चले गए थे, बार बार हम कह रहे थे कि वहाँ जब तक रहेंगे उनकी आयु घटते जाएगी, तो अब वहाँ से बाहर आए हैं, खुद को भी उन्होंने बचाया और बिहार को भी बचाया। दोनों मिलके, केंद्र और बिहार मिलके, हम बिहार का विकास करेंगे और हमारी पार्टी इस बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बिहार में हम 40 में 400 सीट जीतेंगे। आज सामने लोकसभा चुनाव है, कितनी सीटें आप, चूंकि अब एक बार फिर से जेडीयू आ गई है साथ में एनडीए के, तो आप कितनी सीटों के बावजूद एक सहयोगी होने के नाते मेरा तालमेल भाजपा के साथ खूबसूरती से चल रहा है। मुझे लगता है बहुत सहजता से ये सारी चीजें हो जाएंगी। अगर एनडीए में मौजूद इन दलों के साथ बात भी बन जाती है तो अगला सवाल सीट शेयरिंग का है। 2019 में एनडीए ने बंपर जीत हासिल की थी। के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जेडीयू और एलजेपी के साथ गठबंधन था। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने सभी 17 सीट जीती तो जेडीयू की एक सीट पर हार हुई। एलजेपी के हिस्से में जो 6 सीट आई थी उसने सभी सीट जीत ली। लेकिन अब बिहार में एनडीए का दायरा बढ़ गया है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी एनडीए में है। इसके अलावा एलजेपी के दोनों धड़े भी अलग अलग सीट मांग रहे हैं। चिराग पासवान चाहते हैं कि वो बिहार की 6 सीटों पर लड़े। इसी तरह पशुपति पारस भी 6 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा 4 सीटों पर दावेदारी ठोक रहे हैं। जीतन राम मांझी 2 सीट मांग रहे हैं।
और वीआईपी के मुकेश साहनी जो अभी एनडीए में नहीं है वो भी मांग कर रहे हैं कि अगर एक सीट मिल जाए तो वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे। यानी सभी मिलकर 40 में से 19 सीटों की मांग कर रहे हैं और इस हिसाब से बीजेपी और जेडीयू के लिए सिर्फ 21 सीट बचेंगी। बीजेपी की पहली कोशिश एलजेपी के पारिवारिक विवाद को खत्म कराने की है। अगर यहाँ बात बन जाती है तो बिहार में सीट बंटवारे में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और अगर चाचा भतीजे के बीच दूरी बनी रही तो भी बीजेपी ने सीट बंटवारे का शुरुआती ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले बात उपेंद्र कुशवाहा की, जिन्हें 3 लोकसभा सीट दी जा सकती है। 2014 में जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे तब भी 3 सीट पर ही चुनाव लड़ा था। इसी तरह जीतन राम मांझी को गया लोकसभा सीट दी जा सकती है, जबकि मांझी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। और अगर पासवान परिवार में सब कुछ ठीक हो गया तो पिछली बार की तरह 6 सीटों पर मामला सेट किया जा सकता है। और अगर बात नहीं बनी तो चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 3 सीट दी जा सकती है, जबकि पशुपति पारस की पार्टी को भी 3 सीट दी जा सकती है। इन 10 सीटों के बंटवारे के बाद बीजेपी और जेडीयू में सीट बंटवारा होगा, जिसमें से 16 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है और 14 सीट जेडीयू के लिए छोड़ी जा सकती है। अगर मुकेश सहनी के साथ गठबंधन बनता है तो बीजेपी उनकी पार्टी के प्रत्याशी को अपने सिंबल पर लड़ा सकती है। इस फॉर्मूले में किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीतीश भी खुशी खुशी बीजेपी को बड़े भाई की भूमिका दे देंगे, क्योंकि पिछली बार बीजेपी का स्ट्राइक रेट जेडीयू के मुकाबले बेहतर रहा था।